हेलो फ्रेंड्स, आज जिस हम सरकारी नौकरी की बात करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है सिर्फ 8वीं पास। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सरकारी नौकरी की हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में, सबसे पहले घर बैठे। स्टेप बाय स्टेप आज की सरकारी भर्ती की सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। 8वीं पास कैंडिडेट इसका फॉर्म जरूर भरिएगा और जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया है इस भर्ती को पूरी करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। देख लेते हैं कहां नोटिफिकेशन आया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ के अंतर्गत जो देख सकते हैं आप, अलीगढ़ में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अलग अलग पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई है। कहाँ कहाँ पर है ये बालिका विद्यालय जो कि जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत आते हैं? गंगीरी, अतरौली, बिजौली, अकराबा, चंडोस, गोंडा, इगलास, जवा, खैर, लोधा, टप्पल। ये बड़े अजीब अजीब से नाम है जगहों के जो कि पढ़ने में भी अजीब लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो वैकेंसीज आई हुई हैं तो इसका फॉर्म जो है लोग भर सकते हैं। सबसे पहले मैं वो पोस्ट बता देता हूँ जिसके लिए जो है वो पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। लास्ट की जो आपकी चार पोस्ट है 10वीं नंबर की, 11वीं और 12वीं नंबर की, जो पोस्ट है चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया, इन पोस्ट के लिए 8वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लास्ट की ये जो चार पोस्ट है इसमें सिर्फ 8वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। पुरुष और महिला दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो जितनी भी अलग अलग पोस्ट है जैसे वार्डन, कंप्यूटर की, पूर्णकालिक शिक्षिका की, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका, गणित विज्ञान, गणित विषय में, विज्ञान विषय में, कंप्यूटर विषय में, सामाजिक विषय में, ठीक है, तो इन सब के लिए आप देख सकते हैं सैलरी भी यहाँ पर दी गई है बढ़िया। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट डिग्री जो है वो मांगी गई है। टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल 34 यहाँ पर सीट्स है। तो फॉर्म जो भी 8वीं पास कैंडिडेट्स हैं वो ये जो चार पोस्ट दी गई इनको अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट ऊपर की ये 9 पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। वार्डन की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी 27,500 रुपये, बाकी शिक्षिकाओं के लिए 22,000 रुपये हर महीने सैलरी आपकी बनेगी और ये जो पोस्ट है उन सब के लिए देख सकते हो 6,900, 5,750 ये सैलरी आपकी बनेगी। उम्र सीमा अगले कॉलम पे आपको यहाँ पर जो है वो दी गई है। जो 8वीं पास जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें उम्र सीमा 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए लगभग वही है 25 से 45 वर्ष। टोटल 34 सीट्स पर यहाँ पर जो है वो वैकेंसी आई है। आगे हम पढ़ते हैं वार्डन पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता जो रहेगी आपकी स्नातक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा जो है आप उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ BEd आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है कंप्यूटर पद के लिए प्रशिक्षित स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा जो है आप उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन हिंदी में, आप सभी लोग आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, फॉर्म इसका जरूर भरिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। फॉर्म को भेजने की जो आपको जगह है वो कहाँ पर भेजना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमानगर TVS शोरूम के सामने वाली गली सूत मिल चौराहा अलीगढ़। केवल आपको स्पीड पोस्ट से जो है भेजना पड़ेगा। अब फॉर्म दिखा देता हूँ कौन से फॉर्म आपको भरने हैं। जैसे अगर आप वार्डन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका ये रहेगा। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग आवेदन आपको देना पड़ेगा। जैसे ये पोस्ट है आपकी पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिकाओं के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है और जो चपरासी और रसोईया बाकी जो भी अलग अलग पोस्ट है सहायक रसोईया के लिए आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म ये रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अच्छे से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लें और फॉर्म इसका अप्लाई जरूर कर दें। कुछ पूछना तो कमेंट पे जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।